महाशिवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सारा दिन लोग उपवास रखते हैं, यानी कि व्रत रखा जाता है और रात के दौरान भी किसी तरह का कोई भोजन लिया नहीं जाता है और दूसरे दिन सुबह उपवास छोड़ा जाता है। और वैसे भी व्रत के दौरान लोग फल, दूध, शकरकंद ये सब खाते हैं और साथ ही सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है साबूदाना। तो आज हम साबूदाने के बड़े बना लेंगे। हेलो दोस्तों, मैं कल्पना, आप सबका स्वागत है स्वाद घर का। मैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करिए और कमेंट करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साबूदाने के वड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने साबूदाना भीगा हुआ लिया है, इसे मैंने सुबह ही भिगा लिया था। ये पूरा 1 कप भीगा हुआ साबूदाना है। अब इसमें हम उबले हुए आलू को मैश करके ऐड कर लेते हैं। मैंने 2 आलू को उबाल कर उसे छील कर मैश कर लिया है। यहाँ पे मैंने सिंगदाना लिया है 1/2 कटोरी, जिसे भूंज कर हमने उसके छिलके निकाल लिया है और उसे पीस कर ऐड कर लिया है। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे हमने कद्दूकस करके ऐड कर लेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 2 ऐड कर लेंगे। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड कर लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। आपके पास में जो भी नमक खाते हैं वो ऐड कर लीजिए। 1/2 नींबू का रस ऐड कर लेते हैं। अब सभी चीज को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके हम वड़े बना लेंगे। वड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथों में पानी लगा लेंगे। अब थोड़ा सा मिश्रण को हाथों में ले लेते हैं और इसे सबसे पहले हम गोल बना लेते हैं। अब इसे हाथों से फ्लैट कर लेंगे और इसे हम टिक्की का जैसे शेप दे देंगे। इस तरीके से हमें इसके साबूदाने के वड़े बनाने हैं। इसी तरीके से हम बाकी के भी वड़े बना के तैयार कर लेते हैं। हमने सभी वड़े को शेप देकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है। अब इसमें हम 1-1 करके वड़े ऐड कर लेते हैं। अब इसे हम अच्छा सा 1 गोल्डन ब्राउन कलर आने तक के फ्राई कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि बड़े में एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसे हम एक टिश्यू पेपर रखे हुए प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी बचे वड़े को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी साबूदाना वड़ा बनकर तैयार है। इसे आप इमली की चटनी, मसालेदार हरी चटनी या दही के साथ में गर्मा गर्म परोसे। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए।